फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप बज रहे सुबह के 8:30 बज रहे, तो चलिए कर लेते दिन की शुरुआत। आज दिन गुरुवार का है, तो मेरी पूजा हो चुकी है। साईं बाबा का अभिषेक कथा भी हो चुकी है और अभी भी सोनल और कल्पना भी आ चुके हैं। बच्चों के लिए मैं नाश्ता बनाकर देती हूँ। और कल्पना का, मेरा और दिनेश के पापा का व्रत है और कल नागपंचमी है, तो आज पहले दिन काफ़ी सारी महिलाओं का व्रत रहता है। व्रत बहुत सारी महिलाएं भाई के नाम पर रहती है। और हम जा रहे मार्केट, हम मार्केट हो आए हैं, वहाँ पर कोई वीडियो बनाया नहीं है। हम घर आ चुके हैं और कल्पना के लिए यहाँ पर चिप्स तल के दे देती हूँ। केले के है और आलू चिप्स है ये, तो मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं गुरुवार के दिन कुछ नहीं खाती हूँ, फल को छोड़कर फल दही ऐसा खा लेती हूँ। तो कल्पना के लिए मैंने चिप्स तल कर दे दिए, इन्होंने खा लिए है। और सोनल, दीपक, दिनेश, आयु, सौम्या सब ने खाना खा लिया है। सौम्या ज़्यादातर खाना नहीं खाती है, उसे दूध बिस्किट ही चाहिए होता है, तो थोड़ा सा दूध भी पी लिया है। उसे थोड़ा सा जुकाम है, तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब है उसकी, तो रो रही है बहुत ज़्यादा, कुछ खा भी नहीं रही है। और इस त्यौहार में झूला ना डालो तो कैसे चलेगा, तो झूला हमने डाल दिया है। कल्पना झूला झूल रही है। और मैंने यहाँ पर दही और चीनी ले ली है क्योंकि गुरुवार के दिन मैं चिप्स वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ, दही चीनी फल ऐसा खा लेती हूँ। और ये आयुष देखिए कैसे झूला झूल रहा है, वो झूला झूल रही है तो पीछे जाके खड़ा हो रहा है और उसे हाथ पकड़ रहा है, फिर गिर रहा है नीचे, तो सोनल इसको पकड़ के बैठी है। और हमने झूला पहले डाला था जब गायत्री थी तब डाला था, फिर बाद में मैंने निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर रास्ते में हो जाता है, बाहर हॉल में है तो बाहर आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने निकालने के लिए बोला था। मगर ये नागपंचमी का त्यौहार है तो इस दिन तो सभी महिलाएं झूला झूलती है, तो इसलिए दीपक ने सुबह सुबह ही उसे बांधने के लिए बोला था, तो उसने फिर से झूला बांध दिया है और हम सभी एक एक बारी बारी से झूला झूल रहे हैं। अब दोपहर का टाइम है, 3:00 और सबका लंच हो चुका है और जो व्रत वाले हैं उनके लिए चिप्स वगैरह तल कर दे दिए हैं। सबने बारी बारी से झूला झूलाए, फिर लास्ट में मैं ही बची हूँ, तो देखिए आयुष मुझे झूला झूला रहा है, झूला झूलाता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। जब हम आते हैं पीछे की तरफ तो नीचे गिर जाता है, फिर इसीलिए सोनल फिर से पकड़ कर बैठी इसे। पहले कल्पना को झूला झूला रहा था, फिर बाद में मुझे भी झूला रहा है, फिर थोड़ा सा डांटने के बाद ये देखिए उसके मम्मी के पास जा रहा है और इसने रास्ता कैसा पकड़ा है, उस सोफे से उस सोफे के ऊपर जा रहा है, फिर सोफे से फिर डाइनिंग टेबल पर चढ़ जाएगा। फिर अब जाएगा उसके मम्मी के पास और वहाँ पर सौम्या भी है, सौम्या से बहुत प्यार करता है, सौम्या को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। बचपन की यादें बहुत ताज़ा होती हैं इन बच्चों को देखकर, हम भी ऐसे ही करते थे जब हम छोटे छोटे थे, एक दूसरे को छोड़ के बिल्कुल नहीं रहते थे, अगर झगड़े की बात आई ना फिर झगड़ा भी बहुत ज़्यादा कर लेते थे। अब ऐसा ऐसे दिन आए ना, बस फ़ोन पर बातें होती है, एक दूसरे का चेहरा तक देखने के लिए नहीं मिलता है क्योंकि सब अलग अलग गाँव में रहते हैं, थोड़ी ना रोज़ रोज़ जाना होता है कहीं, बस फ़ोन पर बातें होती रहती है। तो आयुष रोने लगा, फिर बाद में कल्पना ने उसे गेम देखे, गेम देखते ही अच्छे से खेलने लगता है, फिर किसी की याद नहीं आती इसे। और सौम्या भी अभी भी सोई है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुकी है उसे, बहुत रोने लगी है, तो हॉस्पिटल भी लेके गए थे, उसे भाप वगैरह देकर ले आए हैं। थोड़ा सा वातावरण चेंज हो चुका है, बच्चों को ना बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, सभी बच्चों को जुकाम सर्दी खांसी हो रही है। और इस कोरोना की वजह से तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हॉस्पिटल जाने में भी डर लग रहा है, फिर
भी जो पहचान वाले डॉक्टर है उन्हीं के पास लेके गए थे। तो थोड़ा सा सौम्या को आराम है, उसे दवाई मतलब जो टॉनिक डॉक्टर ने दिया था वही पिलाकर उसे सुला दिया है। और यहाँ पर झूला सबका झूलना हो चुका है, सोनल आ चुके हैं कपड़े उतारने, कपड़े भी सूख चुके हैं। तो सौम्या भी अभी अभी उठी है और ये भी आ चुके हैं। तो सौम्या को इन्होंने मोबाइल दे दिया है, तो उसमें शायद कुछ देख रही हो, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है उसे, नहीं तो बहुत रोने लगी थी। थोड़ा सा दवाई दे के सुलाया ना तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है उसे। उठने के बाद उसने थोड़ा सा खिचड़ी खा ली है और आयुष गेम खेल रहा है और मैं इन्हें ही अनार दे रही हूँ। यहाँ पर चल रही हमारी बातें, तो सारी इधर की उधर की बचपन की यादें सब ताज़ा हो रही है। जब बहने बहने मिलती है ना तो बहुत सारी बातें याद आ जाती है। दीपक दिनेश बाहर ही खेल रहे हैं, तो ये शायद रुमाल वहाँ पर बाहर मैंने धो के डाला था, फिर नीचे गिर गया होगा शायद, तो ले आया है। हम सब यहाँ पर फल खा रहे, बातें चल रही हमारी, और सोनल अंदर चाय बना रही है, तो उसे बोला तुम भी आ जाओ, चाय बाद में बना लेना। तो ये देखिए आ चुकी है, और पापा जी और दीपक बाहर है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो पेड़ पौधे लगाने में रहते हैं पापा जी भी और दीपक भी, तो वहीं पर बाहर कुछ पेड़ पौधे लगा रहे हैं और उसे पानी वगैरह डाल दे रहे क्योंकि बारिश भी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल्पना बोल रही है कि तुम सभी बातें करते बैठो, मैं जाकर चाय बनाकर ले आती हूँ, तो ये गई है चाय बनाने। अब शाम का टाइम है, शाम के 7 बज रहे और हम कर ले रहे साईं बाबा की आरती। सुबह तो मैंने आरती कथा सब कर ली थी, फिर भी ये गुरुवार का दिन है ना, तो गुरुवार के दिन हर गुरुवार ये भी आरती कर लेते हैं शाम में। फिर बाद में आरती घर में होने के बाद यहाँ पर नैवेद्य वगैरह होने के बाद ये फिर से मंदिर भी जाते हैं, फिर आने के बाद खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम सभी है, बस कैमरे में दिख नहीं पा रहे सभी है, दीपक दिनेश पापा जी बच्चे है कल्पना सोनल सभी है। तो हमारी आरती हो चुकी है, अब सभी दर्शन कर ले रहे। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, अब रात के 10 बज रहे।
बच्चों को सुला दिया है, सौम्या को मेहंदी तो नहीं लगाई है, उसे बहुत जुकाम हो चुका है तो हम लगवा रहे। कल्पना, सोनल ने हाथ में मेहंदी लगवा लिए है। बस मैं ही बची थी क्योंकि मुझे काम भी थे, तो ये बोलने लगी कि मैं तुम्हारे हाथों में डिज़ाइन बना लेता हूँ कोई, इन्हें वैसे तो आता नहीं है, बस मोबाइल में देख देख के कोई डिज़ाइन बना रहे हैं।